यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र से आई एक टीम हल्द्वानी पहुंची। इस टीम ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में तय किया गया कि कोविड के लक्षण मिलने पर फौरन सैंपलिंग बढ़ाई जाए, साथ ही कोरोना से पीड़ित मरीजों को फौरन इलाज मिलना चाहिए। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि होम आइसोलेशन के मरीजों की भी हर दिन जांच की जाए। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद होम आइसोलेशन के मरीजों से फोन पर संपर्क किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र से आई एक टीम हल्द्वानी पहुंची। इस टीम ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में तय किया गया कि कोविड के लक्षण मिलने पर फौरन सैंपलिंग बढ़ाई जाए, साथ ही कोरोना से पीड़ित मरीजों को फौरन इलाज मिलना चाहिए। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि होम आइसोलेशन के मरीजों की भी हर दिन जांच की जाए। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद होम आइसोलेशन के मरीजों से फोन पर संपर्क किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र से आई एक टीम हल्द्वानी पहुंची। इस टीम ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में तय किया गया कि कोविड के लक्षण मिलने पर फौरन सैंपलिंग बढ़ाई जाए, साथ ही कोरोना से पीड़ित मरीजों को फौरन इलाज मिलना चाहिए। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि होम आइसोलेशन के मरीजों की भी हर दिन जांच की जाए। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद होम आइसोलेशन के मरीजों से फोन पर संपर्क किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र से आई एक टीम हल्द्वानी पहुंची। इस टीम ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में तय किया गया कि कोविड के लक्षण मिलने पर फौरन सैंपलिंग बढ़ाई जाए, साथ ही कोरोना से पीड़ित मरीजों को फौरन इलाज मिलना चाहिए। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि होम आइसोलेशन के मरीजों की भी हर दिन जांच की जाए। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद होम आइसोलेशन के मरीजों से फोन पर संपर्क किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र से आई एक टीम हल्द्वानी पहुंची। इस टीम ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में तय किया गया कि कोविड के लक्षण मिलने पर फौरन सैंपलिंग बढ़ाई जाए, साथ ही कोरोना से पीड़ित मरीजों को फौरन इलाज मिलना चाहिए। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि होम आइसोलेशन के मरीजों की भी हर दिन जांच की जाए। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद होम आइसोलेशन के मरीजों से फोन पर संपर्क किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र से आई एक टीम हल्द्वानी पहुंची। इस टीम ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में तय किया गया कि कोविड के लक्षण मिलने पर फौरन सैंपलिंग बढ़ाई जाए, साथ ही कोरोना से पीड़ित मरीजों को फौरन इलाज मिलना चाहिए। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि होम आइसोलेशन के मरीजों की भी हर दिन जांच की जाए। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद होम आइसोलेशन के मरीजों से फोन पर संपर्क किया जाएगा।